साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो काम से बिछड़े 11 बरस बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में दहशतगर्दी का निशाना बनी। ये रिपोर्ट देखते हैं। जून 1953 को सिंध के मशहूर सियासी घराने भुट्टो खानदान में एक नन्ही परी ने आंख खोली जो वालिद के लिए पिंकी और दुनिया के लिए बेनज़ीर कहलाई। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची रावलपिंडी और मरी जबकि आला तालीम बरतानिया और अमरीका से हासिल की। वालिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा और आमरियत के खिलाफ बेमिसाल जद्दोजहद का आगाज किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में वतन वापस लौटी तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 1987 में आसिफ अली जरदारी के साथ रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हुए। दस जनवरी 1988 वो तारीखी दिन था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियां रंग लाई और वो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ये कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ताहम 10 माह बाद ही उनकी हुकूमत तहलील कर दी गई। बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद की तरह ज़हीन और जुर्रतमंद भी थी। उन्होंने एक अरसे तक दुबई में जिला वतनी भी काटी। जान का खतरा होने के बावजूद वो 2007 में अपने लोगों में वापस लौटी। कराची में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कमिंग बैक टू माय कंट्री, आई ड्रीम्ड ऑफ दिस डे फॉर सो मेनी मंथ्स एंड इयर्स, आई काउंटेड द आवर्स, आई काउंटेड द मिनट्स एंड द सेकंड्स। दहशतगर्दों ने उन पर कराची में हमला किया लेकिन वो नहीं घबराई। आवाम में इसी तरह जाती रहीं और लोगों से उसी तरह मिलती रहीं जैसा उनका अंदाज था। लेकिन 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में वो दहशतगर्दी का शिकार हो गईं। मिलने के